ये मोदी क्या है? मोदी को, मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। ये मोदी क्या है? मोदी, मोदी कोई चीज है क्या? ये मोदी क्या है? मोदी को, मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, और जब मैंने अपना घर छोड़ा, एक सपना लेकर के चला था, कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग
मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है।